अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम वहाँ चंदेल भवन तो नहीं जा सकते, मनाही जो है तो क्या हुआ, हम यहाँ तो पूजा कर ही सकते। हम अपने हाथ से माँ देवी का प्रतिमा बनाएंगे, इनको पूजेंगे। हे देवी, आपको हमारे घर आना ही होगा। दरवाजे के पीछे तुम और ये साली ही है ना तुम्हारी ये? बोलो देव। काफी अरसे से देख रही हूँ देव, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और आज तो तुम दोनों ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। प्रभादी। जानती हो ना माँ भगवती को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि हर माँ की तरह वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। उनके पास हर कष्ट का निदान होता है और एक विशाल हृदय। लेकिन माए, सारे जगत का माँ भगवती अकेले कैसे ख्याल रख लेती है? उनके नौ रूप के जरिए। नौ रूप कैसे? माँ शैलपुत्री माता का प्रथम रूप है। नवरात्र का पहला दिन उनकी पूजा होती है, फिर माँ ब्रह्मचारिणी सद्बुद्धि सदाचार और धैर्य की देवी है, फिर माता चंद्रघंटा जिनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति है। अच्छा, कहते हैं ना इनके घंट स्वर से बुरी शक्तियाँ भाग जाती है। फिर माता कुष्मंडा, उनकी पूजा से उन्नति तरक्की और हर दुख का निवारण होता है। स्कंद माता हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए अग्रसर रहती है। फिर माता कात्यायनी की पूजा से इस लोक में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हाँ। फिर कालरात्रि ऐसे मुक्ति दुष्टों का विनाश करती है। महागौरी, उनकी पूजा से हर पाप से मुक्ति मिलती है और भक्ति का फल भी मिलता है। और आखिर में सिद्धिदात्री, नवरात्र के आखिरी दिन इनकी पूजा करने से ना सिद्धियां प्राप्त होती है। अरे वाह, आपकी सूरत तो हूबहू हमारी माई से मिलने लगी। वैसे हमारी माई में भी ना थोड़ा थोड़ा आपके जैसा ही गुण है, सद्बुद्धि सदाचार निडरता भक्ति और अटूट विश्वास। तभी तो हमारे हाथ से आपकी प्रतिमा बनाते बनाते हम अपनी माई का चेहरा बना दिए। माँ भवानी अब हमारी कुटिया में रहेगी 9 दिन। हे माँ देवी, अब ये कुएं पूरे 9 दिन पूरे विश्वास के साथ आपकी भक्ति और सेवा करेगी, वो भी बिना रुके और बिना थके। सब आपका दिमागी फितूर है। आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभादी? ये दिन भर बेकार बैठने का नतीजा है इस तरह की सोच। कुछ करो क्या प्रभादी? आप भी घर में बहू बेटियां हैं देव, क्या मिसाल रखोगे उनके आगे? तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे इस घर के? समाज में अपनी इज्जत का इतना ढिंढोरा पीटते हो ना तुम, अगर उनको भनक लग गई फिर क्या करोगे तुम? चंदेल घराने की इज्जत की जरा सी भी फिक्र हो ना तुम्हें तो निकाल फेंको इस औरत को घर से बाहर अभी इसी वक्त। मुझे घर से बाहर फेंकवाएंगे आप?
हाँ बिल्कुल। इतने सालों से जो अनर्गल कर रही है वो बताइए ना इन्हें। क्या बकरी हो कुछ? सच बक रहे हैं हम। हमने कहा ना धीरे। बताइए ना अपने भाई को। अरे आप क्या बताइए, हम बताते। इतने सालों से इसी घर में आपसे छुप छुप कर अपने अविवाहित पति का श्राद्ध करती आई है। उस नक्सलवादी का, उस आतंकवादी का श्राद्ध। प्रभाती आपका दिमाग खराब हो गया है? आप उस आदमी का श्राद्ध कर रही है इस घर में जिसपे नक्सलवादी और आतंकवादी होने का आरोप लगा है। मेरे गलत था आरोप, आरोप गलत था। जिस आदमी को पुलिस एनकाउंटर में मार डाला गया, हमको अपनी गलत पहचान बताकर धोखे से आपके साथ शादी तय की उसने। कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे दे। कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे। ए कुहू, कुहू किचन में भी नहीं, कहाँ गायब हो गई है? और सवाल का जवाब भी नहीं दे रही। अलग होगा कि आखिर ये रहस्य क्या? कुहू, कुहू क्या हुआ राजीव दा? कुहू कहाँ है? वो नवरात्रि की पूजा आरंभ होने वाली है तो वहीं तैयारी कर रही होगी। तो तैयारी करते करते कान से सुनना बंद कर दिया क्या उसने? कब से आवाज दे रहे हो, सुनाई नहीं देता उसको? दरअसल राजीव दा वो, अरे यार बंद करो तुम्हारे बहाने और हटो हमारे सामने से। भाई हमारा बिल्कुल चिंता मत करना, हम यहाँ बहुत खुश, बहुत खुश। हमको तो लगता है कि हम भोले बाबा से बहुत ज्यादा कुछ मांग लिए हैं। नहीं, शायद भोले बाबा ये ना हमको कुछ ज्यादा दे दिए।